गाइस तो स्वागत है आप सभी का एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि गाइस आज होने जा रहा है दुनिया के सबसे पॉपुलर दो गेम्स के बीच में कंपैरिजन। वैसे गाइस ये दोनों गेम्स काफी ज्यादा पुराने पड़ गए, पुराने में तो क्या हुआ, ये गेम ना सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए 2024 में इन दोनों गेम्स के बीच में कंपैरिजन करना तो बनता है। ठीक है, आज होने जा रहा है BGMI वर्सेस फ्री फायर का कंपैरिजन। सो गाइस सबसे पहले ये रही गाइस BGMI की लॉबी। ठीक है, तो हमारी लॉबी अभी ऐसी चलती है, मतलब ऐसी होती है। ठीक है, तो बढ़िया। तो गाइस BGMI की लॉबी काफ़ी ज़्यादा मस्त है, जो एनिमेशन वाली जो अपडेट में आती है ना वो वाली लॉबी नहीं दिखाऊंगा, फ्री फायर मैक्स की लॉबी ये गाइस। वैसे ना इवेंट के साथ में यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं, बट जो रियल लॉबी ना गाइस वो यही गाइस। तो अभी तो गाइस अलग चल रही है, बट हमें जो रियल है ना गाइस वही देखेंगे। ठीक है, एनिमेशन वगैरह नहीं देखेंगे। उसके बाद में गाइस प्री मैच लॉबी होती ना वो BGMI की, ये तो सालों से वही गाइस, जो स्टार्टिंग से गेम आया था ना तभी से यही, बट इसमें थोड़े छोटे मोटे चेंजेस होते हैं। जैसे अभी ना यहाँ पे ये कुछ तो लगा के रखा है इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे कुछ डांस वांस कर सकते हैं हम, ऊपर कुछ बैनर वगैरह लगा के रखे, यहाँ पे भी कुछ तो लगा के रखा है। ठीक है, वैसे ये ना अपडेट के साथ में चेंजेस होते रहते, और भी गाइस यहाँ पे ये सब सिस्टम लगा के रखा है, बाद में शायद यहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाएगा। इसके बाद में फ्री फायर में हमें 7th एनिवर्सरी देखने मिलती है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा पुराना मैप होता था ना वही यहाँ पे इन्होंने ग्राउंड में डाल दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त है। ठीक है, यहाँ पे मस्त मस्त देखने मिलते हैं। इसके बाद में गाइस BGMI का जो एरोप्लेन है, स्टार्टिंग में देखो कैसे एंट्री होती है, एरोप्लेन के बगल से दो हेलीकॉप्टर होते हैं। ठीक है, जब न्यू गेम था ना गाइस तब ऐसा नहीं होता था, अभी ऐसा है। ठीक है, इसके बाद में गाइस जो हमारा फ्री फायर है उसका नॉर्मल गाइस, स्टार्टिंग से सब कुछ ऐसा ही था, मतलब एरोप्लेन ऐसी एंट्री मारता था, उसके बाद में इसकी भी स्किन वगैरह होती है, बट अभी जो अपन नॉर्मल चीज़ें ना वही देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी होती गई अपने एरोप्लेन की एंट्री। ठीक है, उसके बाद में BGMI की लैंडिंग कैसी होती, ठीक है, जो पुराना होता था गाइस अभी भी वैसी होती गई, बट एनिमेशन हमें इतने सारे मिल गए ना, अलग अलग तरह के एनिमेशन मिल चुके हैं इसमें। अगर आप बाय करते हो ना तो आपको बहुत अलग अलग तरह के एनिमेशन मिलते हैं, जहाँ से आप अलग अलग तरीके से ना लैंडिंग कर सकते हो। अभी तो नॉर्मल लैंडिंग जो स्टार्टिंग में होती थी ना अभी भी सेम वही सिस्टम है, यहाँ पे कोई चेंजेस हमें देखने नहीं मिलता। वैसे हम लैंड कर सकते हैं, उसके बाद में हमारा पैराशूट ओपन होता है और वैसे हम एंट्री करते हैं अपनी लैंड, ज़मीन पे लैंड करते हैं, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं, सेम टू सेम वही पुराना सब सिस्टम है। इसके बाद में देखते हैं हम फ्री फायर की लैंडिंग। ठीक है, यहाँ पे भी हमें बहुत सारे अलग अलग तरह के स्केटबोर्ड, अलग अलग तरह के पैराशूट देखने मिल जाते, बहुत अलग अलग तरह के एनिमेशन देखने मिलते। ठीक है, बट अपन तो लैंडिग तो वही होती है, सेम टू सेम वही होती है पुरानी। अगर आप किसी भी एनिमेशन को यूज़ नहीं करेंगे ना तो जो पुरानी लैंडिंग होती थी सेम टू सेम वही होती है। ठीक है, यहाँ पे भी अपने कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलते, नॉर्मल वही है। ठीक है, उसके बाद में गाइस यहाँ पे गाइस ये होते गाइस हमारे टोकन। ठीक है, यानी कि पैसा होता है जिससे अपन कुछ भी बाय कर सकते हैं, ये BGMI में होता है। उसके बाद में गाइस फ्री फायर में तो टोकन होते हैं। ठीक है, ये तो अपडेट के साथ में काफ़ी बार चेंज होते रहे, अभी गाइस कुछ ऐसे दिखते। ठीक है, इसके बाद में जैसे अपन कुछ भी चीज़ें बाय कर सकते वो तो आप सभी को पता ही है। उसके बाद गाइस यहाँ पे हम ना हमारा जो गाइस टीममेट है उसे रिवाइव कैसे कर सकते, चाहे तो हम कंधे पे ले सकते। BGMI में ये तो लगभग एक साल पहले अपडेट आ गया था, कंधे पे लेके उठा सकते, उसके बाद में उसे रिवाइव करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता। ठीक है, फ्री फायर में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट BGMI में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, फटाफट देखो अभी अपना ना प्लेयर फटाक से रिवाइव हो जाएगा, फटाक से नहीं मतलब अच्छा खासा टाइम लग गया, रिवाइव करने में टाइम तो लगता है। उसके बाद में फ्री फायर होता है ना यहाँ पे हम कंधे गंदे पे नहीं उठा सकते, नॉर्मली बस रिवाइव करना होता है, और अगर हम ना स्किल यूज़ करते तो फटाफट रिवाइव हो जाता है, वरना थोड़ा टाइम लगता है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इधर देखो गाइस, अभी देखो हमारे ना बॉम्ब्स यूज़ करेंगे हम, सबसे पहले कहते हमारा स्टन बॉम्ब्स, ओके। ठीक है, इससे तो सब वाइट वाइट हो जाता है। उसके बाद में कहते स्मोक, ठीक है, BGMI का स्मोक ना बहुत ज़्यादा मस्त होता है। ठीक है, फ्री फायर का भी आपको मैं दिखाता हूँ बाद में, फ्री फायर का देख के थोड़ा हंसी ज़रूर आती है, और भी देखो रियलिस्टिक तो है। ठीक है, इसके बाद में कहते देखो स्मोक के बाद में अपन ग्रेनेड यूज़ करेंगे। ठीक है, ग्रेनेड में क्या क्या है, ग्रेनेड का जो एनिमेशन है ना वो तो अभी अभी BGMI में भी ऐड हो रहे हैं धीरे धीरे, अपडेट के साथ में ऐड हो रहे धीरे धीरे। और भी जो अपना नॉर्मल ग्रेनेड ऐसे फेंकने के बाद में गए स्टार्टिंग में ब्लास्ट होता था, अभी भी सेम टू सेम एकदम रियलिस्टिक ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो मस्त है। ठीक है, इसके बाद में होती है मॉली, जो तो सबसे खतरनाक है। ठीक है, पूरे तरीके से जला के रख देती इंसान को। ठीक है, मॉली सबसे खतरनाक है। ठीक है, देखो इसका ना अभी गए इसके ना थोड़े इफेक्ट तो चेंज हो गए, पहले इसका कलर थोड़ा अलग होता था, अभी थोड़ा अलग है। वैसे नहीं कहते अपन इसको ना बाय करके भी इसके अलग अलग एनिमेशन बाय कर सकते, ये तो आ चुका है जैसे फ्री फायर में होता है वैसे। ठीक है, अभी फ्री फायर के ग्रेनेड्स वगैरह देखते जिसमें हमें एक न्यू ग्रेनेड देखने में, ये क्या ग्लू वॉल वगैरह तोड़ देता है तो अच्छे गए। ठीक है, ग्लू वॉल तोड़ता है, थोड़ी ज़्यादा डैमेज भी दे देता है, डैमेज ज़्यादा नहीं देता है, थोड़ा ग्लू वॉल वगैरह तोड़ता है। उसके बाद में ग्रेनेड में तो बहुत सारे एनिमेशन है, अलग अलग तरह के इफेक्ट देखने मिलते। ठीक है, अभी देखो भैया पिंक कलर में हमारा ग्रेनेड गया,
और अभी देखो उधर ब्लास्ट होने पे भी खतरनाक पिंक का ब्लास्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या जाता है हमारा स्मोक, ठीक है। फ्री फायर का स्मोक बोले ना सबसे बढ़िया है, ठीक है। पहले तो अभी भी मतलब थोड़ा चेंज हुआ है, फ्री फायर का स्मोक है ना अभी थोड़ा बेटर हुआ है ना, वरना पहले तो क्या होता था कि पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता था, बस वाइट वाइट हो जाता था। अभी भी वाइट वाइट ही होता है, बट पहले से थोड़ा बेटर है। पहले स्टार्टिंग में जब था ना बहुत ज़्यादा अलग था, अभी अपडेट में थोड़ा सही हो गया। इसके बाद में कहता हमें एक न्यू बॉम्ब देखने मिलता है, जैसे हमारी मॉली होती ना उसी तरह किसी को पकड़ सकते हैं हम। देखो इसके अंदर डैमेज पड़ता है, बट मॉली का डैमेज बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, फ्री फायर में इसका डैमेज इतना भी डेंजर नहीं होता है। अभी व्हीकल्स में एक एक व्हीकल ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बग्गी ट्राई करते हैं जिसमें अपन ऐसी एंट्री करते हैं, उसके बाद में चलाने में क्या जैसे स्टार्टिंग में था सेम टू सेम वही, ठीक है, ऐसे मस्त चलती है। वैसे यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ स्टार्टिंग में गेम में जैसे था ना, अभी भी 24 में वही है। तो यहाँ पे भी देखो फ्री फायर वाली बग्गी भी देखो बेटा, वैसे स्टार्टिंग में जैसी थी वैसी थी, दो बंदे उठा के लेके जाती है मस्त से चलते, स्पीड वगैरह वही पुरानी है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ। इसके बाद में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, ओके, अभी पानी का एनिमेशन ना BGMI में चेंज हो गया है, तो अभी ना बेटर लग रहा है, पहले से ना थोड़ा मस्त लग रहा है, थोड़ा रियलिस्टिक भी लग रहा है और बेटर लग रहा है। स्टार्टिंग में इतना भी बढ़िया नहीं था, और अंदर भी जा सकते हैं BGMI में, क्या है ना अब अंदर भी जा सकते हैं, अगर ऊपर से कोई डैमेज दे रहा है ना तो अंदर चले जाओ, बाहर नहीं भी रहे तो चलेगा, बट फ्री फायर में वो सब नहीं होता, ठीक है। एनिमेशन भी देखो भैया रियलिस्टिक तो लगता है, BGMI में सही लगता है। देखो अभी हम तैर रहे पानी उठ रहे हैं, और फ्री फायर में भी गए पानी का थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया, पहले पानी थोड़ा अलग लगता था, अभी थोड़ा बेटर लग रहा है फ्री फायर मैक्स के अंदर भी, ठीक है। मतलब अपडेट में धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। इसमें क्या हम नीचे तैर सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते, उसके बाद में स्केटबोर्ड से ना ऊपर भी रह सकते हैं, और ग्लू ऑल के खुद की सेफ्टी कर सकते हैं, ठीक है। और फायरिंग का क्या कहते सेम टू सेम वही है, ठीक है। तो BGMI में ऐसी फायरिंग कर सकते क्योंकि नॉर्मल ही स्टार्टिंग से यही सब कुछ था, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस तो हुए नहीं, ठीक है। उसके बाद में फ्री फायर में भी सेम वही से हम कर सकते, बट फ्री फायर में क्या धीरे धीरे एनिमेशन चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सारे फायरिंग के वगैरह ना चेंज होते रहते। अभी देखो एक घर भी देख लेते, ठीक है, एक हाउस देख लेते। BGMI के नॉर्मल हाउस है अपना, ठीक है, इसके अंदर से जा सकते। इधर लूट वूट पड़ी होती है, दीवारें वीवारें थोड़ी पेंटिंग वेंटिंग लगी होती है, जो कि अपडेट में थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते, ठीक है। कलर वाला थोड़ा चेंज होता है, और फ्री फायर में भी क्या वैसे एक बिल्डिंग होती है, उसके बाद में इधर बेड वेड रखे होते हैं, कुछ सोफा वोफा रखे होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त होते हैं, और लूट वूट पड़ी रहती है, जो कि ठीक है, इसमें भी कोई ज़्यादा चेंजेस होती नहीं, धीरे धीरे वही रहते। उसके बाद में कहता मैं ना BGMI के अंदर एक साइकिल स्टैंड देखने मिलता है, जहाँ पे हम साइकिल ना चाहे तो हमारे बैकपैक में रख सकते हैं, या फिर उसे यहाँ से चला कर भी ले जा सकते हैं, उस पर बैठ सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कूल है, बहुत ज़्यादा कूल है, चाहे तो हम ना साइकिल अपने बैकपैक में भी रख सकते हैं, जब ज़रूरत पड़े तो निकाल सकते हैं। उसके बाद में फ्री फायर में हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है, बट हमें एक हाउस मिलता है जिसकी की होती है, की को यूज़ करके अपन ये हाउस ओपन कर सकते हैं, और इसके अंदर होती है भैया अंधा लूट, डेंजर एकदम खतरनाक वाली जो लूट होती है ना वो सारी इस घर के अंदर होती है, जहाँ पे अपन इस घर को अगर ओपन कर लेना तो अपने को अच्छी खासी लूट यहाँ से निकल जाती, ठीक है। इसके बाद में गई आती है हमारी जिप लाइन, बिल्कुल से ये ना BGMI में ना इरेंगल मैप में तो नहीं होती है, ये हमें लिविक में देखने मिल जाती है, ठीक है, लिविक मैप में देखने मिलती है, इरेंगल मैप में नहीं देखने मिलती, जो मेन मैप है ना वहाँ पर नहीं देखने मिलती, इसका ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद में फ्री फायर में देखो, ठीक है, यहाँ पे भी तो फ्री फायर में तो हर जगह पे अपने को ना जिप लाइन देखने मिल जाती है, जो दोनों हाथों से पकड़ के निकलता है, BGMI में एक ही हाथों से लटक जाता है ये बंदा, इधर दोनों हाथों से लटकता है, ठीक है। तो ठीक है, इसमें भी कोई ज़्यादा चेंजेस हो नहीं रहे, वो जो पुराना सिस्टम था सेम टू सेम अभी तक वही चल रहा है, ठीक है। जिप लाइन वैसे तो स्टार्टिंग से BGMI में ना लगभग लास्ट ईयर आई थी, शायद एक दो साल हुए तभी ऐड हुई थी, बट फ्री फायर में स्टार्टिंग से जिप लाइन थी, BGMI में ना बाद में ऐड हुई थी, ठीक है। इसके बाद में क्या देखो अपना मतलब डाउन बंदा है ना उसके साथ में क्या कर सकते हैं, ठीक है। BGMI में क्या अभी डाउन बंदा है, इसको क्या कर सकते हैं अपन, इसको उठा के जाए तो इसके साथ में अपन खेल भी सकते हैं, ठीक है। इधर उधर दौड़ रहा है, कुछ ज़्यादा ही फास्ट दौड़ता है, इसमें इसको इधर कंधे पे उठा लो और इसको लेके इधर उधर दौड़ सकते हैं, मस्त मज़े कर सकते हैं, इसको ना अच्छी इसके अपन ना मज़े ले सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है, मतलब कूल नहीं, ये तो कुछ अजीब ही लगता है कि बंदे को परेशान कर दो भैया, डाउन किया तो क्या उसके बाद में परेशान भी कर दो। बढ़ गए जब BGMI जब पबजी तक गए तब ना गेम के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, डाउन कर दिया ना बंदा उसको उठा नहीं सकते थे, ऐसा कुछ नहीं होता था। और फ्री फायर में अगर बंदे डाउन कर देते तो उनके साथ में अपन कुछ नहीं कर सकते, बस उन्हें मार सकते, ठीक है। यहाँ पे गए कुछ नहीं, अपने पास में गन होती उससे मार सकते, ठीक है। अगर अपने पास में कटाना हुई ना तो आप अपना अलग ही एनिमेशन से उसे मार सकते, जो कि कूल लगता ज़रूर है, बट कटाना होनी चाहिए, कटाना नहीं तो फिर कुछ नहीं कर सकते, गन से मार सकते, ठीक है। तो BGMI में जो मार्केट होता है, मार्केट होती है जो मशीन होती है या मार्केट होता है जिसमें काफ़ी सारी गन्स अपने को देखने मिलती है, देखो कितनी सारी गन्स है, उसके बाद में अलग अलग बॉम्ब्स है, उसके बाद में गए गन्स के एनिमेशंस वगैरह सब कुछ है, देख सकते हैं। अब ग्रेनेड भी गए, मेडिकेट सब कुछ जो भी चीज़ें होती ना
सारी चीज़ें अपने को ना मशीन में मिल जाती है। और यहाँ पे वेडिंग मशीन होती है जहाँ पे हम इसमें रिवाइव दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ना गन्स वगैरह जो भी चीज़ें ना इस गेम की सारी सब कुछ अपने को देखने मिल जाती है। जो अपने पास में कॉइन होते हैं ना उससे अपन ये सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, तो ये पहले ना BGMI यानी कि जब पबजी था ना तब नहीं था, अभी एक दो साल पहले गेम में ऐड हुआ। ठीक है, उसके बाद में BGMI में हम ना झुक के कैसे चल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे चलना पड़ता है, झुक के चलता है अपना कैरेक्टर, दौड़ता है यार, दौड़ता है, झुक के दौड़ता भी है। उसके बाद में लेट के भैया रियलिस्टिक लगता है, जैसे अगर रियल में लेटता है ना भैया बंदा, सेम टू सेम BGMI में वैसे लेटता है बिल्कुल। इधर कुछ भी अपने को अलग नहीं देखने मिलता, सेम टू सेम रियलिस्टिक देखने मिल जाता है। इसके बाद में फ्री फायर में झुक के बंदा, चलो ठीक है, सही चलता है, ठीक है, मस्त चलता है, कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से चलते रहता है एकदम। इसमें भी रियली चलता है सर, नकली नहीं चलता है, सही चलता है। ठीक है, उसके बाद में लेट के, ओके ठीक है, लेटने में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होती है क्योंकि लेट के ना, अबे ठीक है कुछ अजीब ही चल रहा है, ठीक है ऐसे कैसे चल रहा है भाई यार तू। ठीक है, फ्री फायर में थोड़ा अलग चलता है, अरे बंदा लेट के कुछ अजीब ही चलता है, रियलिस्टिक नहीं लगता है यार, काफ़ी ज़्यादा नकली लगता है, मतलब ठीक है यार कोई बात नहीं, चलते गाइस ऐसे चलता है। वैसे फ्री फायर में कभी लेट की चलने की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, इसके बाद में ये रह गए हमारे BGMI का रिवाइवल पॉइंट, जो कि गेम स्टार्टिंग में था ना तब नहीं था, बाद में ऐड हुआ था, मतलब फ्री फायर में पहले हो गया था, उसके बाद BGMI में होता। ठीक है, तो यहाँ से हम रिकॉल कर सकते हैं, यहाँ पे हमें ऐसा कुछ खड़ा वड़ा नहीं रहना पड़ता है, यहाँ पे आओ और सीधा रिकॉल कर दो, ऐसा सिस्टम होता है। फ्री फायर में हमने को टाइम लगता है, वहाँ पे देखो अभी फ्री फायर में क्या ये पूरा ना हर्ट कंप्लीट होने देना पड़ता है, ऐसा सिस्टम होता है। वैसे इसमें अपडेट में कोई ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं, यहाँ पे ना ये खंबा पहले थोड़ा अलग होता था, अभी अपडेट के बाद में चेंज हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे चेंज होता है, इसमें अपने को काफ़ी टाइम तक खड़ा रहना पड़ता है। उसके बाद में अपने जितने भी गाइस टीममेट्स है वो सारे रिवाइव हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस गेम्स के अंदर जितनी भी मेन चीज़ें थी उनके बीच में अपन ने कंपैरिजन देख लिया, ऐसे ऐसे चेंजेस हुए, ऐसे ऐसी चीज़ें गाइस। तो गाइस इन दोनों गेम में अभी आपको कौन सा गेम बेस्ट लगता है वो जल्दी से कमेंट कर देना, और गाइस चैनल पे न्यू हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।